हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और आपको स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ और एक न्यू रेसिपी फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी सा, हेल्दी सा और गेहूँ का आटा से ये बना के तैयार करेंगे। एक कप गेहूँ का आटा से ढेर सारा मिठाई बन के तैयार होने वाला है फ्रेंड्स, और भी बहुत ही हेल्दी तरीका से। वीडियो को फुल वॉच करिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर मेरा रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो को फुल वॉच करिए फ्रेंड्स, और बहुत ही आसान रेसिपी फ्रेंड्स, और खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही टेस्टी होता है। और ये ना जो भी खाएगी ना और बता नहीं पाएगा, ये गेहूं का आटा से बना हुआ इतना टेस्टी, ऊपर पूरा क्रिस्पी बनेगा, अंदर बहुत ही सॉफ्ट और एकदम जूसीदार बनेगा। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, सच में एकदम जूसीदार रसीले हमारा मिठाई बनके तैयार होने वाला है, और भी गेहूं का आटा से फ्रेंड्स। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस मिठाई के लिए पहले लेंगे एक प्लेट व थाली, और उसके बाद ना इसमें डालेंगे आटा। तो देखिए, मैंने इस कप से मेजरमेंट करके लिया है एक कप। जो नॉर्मल आटा होता है ना घर में, जो रोटी वगैरह बनता है वही वाला आटा मैंने लिया है। थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो इसमें जाएगी इलायची पाउडर, दो इलायची को मैंने खोल के ना जो बीज को कूट के लिया है पाउडर बना के फ्लेवर के लिए डालेंगे। और ये ना बेकिंग सोडा मैंने लिया, देखिए छोटा चम्मच से मेजरमेंट करेंगे ना, आधा चम्मच होगा छोटा चम्मच से। तो देखिए सूखा ही अच्छा से मिक्स करेंगे, और उसके बाद ना इसमें घी डालेंगे। तो ये देसी घी देखिए मैंने डाल दिया डेढ़ चम्मच करीब, और अच्छा से ना इस तरीके से मिक्स करेंगे। खास्ता बनाना है ना, तो इसलिए घी व ऑयल आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन घी डालने से क्या होता है ना, मिठाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने घी लिया है। और आप ना ऑयल से भी बना सकते हो। तो देखिए अच्छा सा ना मिक्स करेंगे, और आप ना दोनों हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते, जैसे आपको जैसे सुविधा हो रहा है ऐसे ही आप मिक्स कर सकते, एक हाथ से भी दो हाथ से भी। तो ये देखिए इस तरीके से ना मिक्स करेंगे अच्छा से फ्रेंड्स। तो चलिए इसमें ना और थोड़ा मुझे ना घी थोड़ा कम लग रहा है, तो और आधा चम्मच घी डालेंगे। लगभग इसमें ना ढाई चम्मच करीब मैंने घी ऐड किया है फ्रेंड्स, एक कप आटा में ढाई चम्मच करीब घी ऐड किया है। तो इस तरीके से धीरे धीरे मिक्स करते जाइए, और ये ना इस तरीके से बाइंडिंग हो रहा है ना, तो ये परफेक्ट है। तो बस, और अभी क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो लगाएंगे। आप ना दूध डाल के भी डो लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास ना दूध नहीं है, तो इसलिए मैंने पानी लिया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालना, नहीं तो पतला भी हो सकता है फ्रेंड्स। और थोड़ा थोड़ा ही पानी छिटा दे के ना उसको डो लगाएंगे, और ना कस के भी, जैसे हम रोटी पराठा बनाते हैं ना पराठा, तो ऐसे कस के डो नहीं लगाना है, हल्का हाथ से ही मिक्स करते जाइए और इकट्ठा करते जाइए इस तरीके से। तो देखिए हल्का हाथ से ही इस तरीके से इकट्ठा करते जाइए, आसानी से इकट्ठा हो जाएगी, क्योंकि इसमें घी भी ऐड किया है और पानी हल्का डाला है, आधा कप करीब पानी इसमें यूज हुआ है, ज़्यादा पानी नहीं। तो बस ये देखिए डो तो इस तरीके से होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट व ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, इस तरीके से होना चाहिए डो। तो ये देखिए बस, और ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएगी ना तो मिठाई अच्छा नहीं बनेगा। तो उसको ना रखेंगे साइड में, देखिए कवर करके मैंने रख दिया। और एक पैन लिया, और पैन में डाल दिया एक कप चीनी, एक कप चीनी में एक कप पानी डालेंगे। तो चाशनी तो तैयार करना पड़ेगा ना, तो इसलिए तो देखिए, और मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और गैस का फ्लेम ना हाई टू मीडियम फ्लेम रखेंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे ना ये मेल्ट हो जाएगी हमारा चाशनी, और तीन से चार मिनट के लिए ना उबालते देंगे। तो तीन से चार मिनट में ही ये चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। दो इलायची कूट के लिया, और जो दो मैंने छिलका वाला इलायची डाला है ना उसका जो बीज था मैंने कूट के पाउडर बना के वही डो में मिला दिया है। तो ये छिलका था, तो छिलका में भी तो बहुत ही फ्लेवर होता है, तो इसलिए मैंने डाल दिया। बस
इस तरीके से चलाते जाइए और ये देखिए अच्छा से चीनी मेल्ट हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें ना थोड़ा सा फूड कलर मिलाएंगे। आप ना ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन मैं ना फूड कलर मिलाऊंगी। आपके पास ऑरेंज कलर है तो आप ऑरेंज फूड कलर इसमें मिला सकते हो। आपको जो पसंद है वही इसमें डाल सकते हो। मेरा पास ना येलो वाला फूड कलर है तो थोड़ा सा मैंने येलो वाला फूड कलर मिला दिया बस, और अच्छा से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए दो मिनट बाद ना ये चटनी बन के तैयार हो जाएगी। मुझे ना ज़्यादा तार वाला चटनी नहीं चाहिए, बस नॉर्मल जैसे बालूशाही गज्जा बनाते हैं ना, ऐसे ही हमको चटनी चाहिए ना। बहुत तार वाला चटनी ये सब नहीं चाहिए। दो तीन से चार मिनट आप ना उबालते दीजिए और उसके बाद ना ये चटनी बन जाएगी। तो ये देखिए बस इस तरीके से ना हल्का हल्का तार जैसे तार, देखिए तार भी बन नहीं रहा है, लेकिन इस तरीके से होना चाहिए। तो बस अभी क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम ऑफ करके ना उसको रख देंगे साइड में फ्रेंड्स, ढांक के चटनी को। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। तो इधर देखिए आटा हमारा सेट हो चुका है। तो ये देखिए इस तरीके से ना दोनों पार्ट में डिवाइड कर देंगे और एक जो आधा आटा है ना उसको ढक कर रख देंगे, नहीं तो सूख जाएगी। और ये देखिए मैंने एक चकला लिया और उसके ऊपर ना इस तरीके से रोल करेंगे। तो ये देखिए मैंने रोल बना दिया और एक कैंची लिया और कैंची का मदद से ना कटिंग करेंगे। आप ना चाकू से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने कैंची लिया है। तो देखिए इस तरीके से ना पीसेस करेंगे तो देखिए और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए एक ना शेप देंगे तो इस तरीके से, बहुत ही सिंपल शेप है। दोनों तरफ से ना पकड़ के इस तरीके से शेप दे दीजिए और ये देखिए इस तरीके से बहुत ही सिंपल ये शेप है। देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। आप ना गोल गोल शेप से भी आप मिठाई बना सकते हो, लेकिन मुझे इस तरीके से शेप चाहिए था तो इसलिए मैंने इस तरीके से शेप दे दिया। तो ये देखिए तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए आपका हिसाब से आप शेप कैसे आपको पसंद है वही हिसाब से आप डिजाइन दे सकते हो फ्रेंड। तो बस और ना ज़्यादा दबाएंगे नहीं, ज़्यादा दबा देंगे ना तो ये ना जो क्या चटनी में जब डालेंगे ना चटनी अंदर तक नहीं जाएगी, खस्ता नहीं बनेगा, चिकना हो जाएगा। तो इसलिए ना ज़्यादा दबाएंगे नहीं, हल्का हाथ से इस तरीके से बनाएंगे। बस इस तरीके से जितना भी डो है ना बना के तैयार करेंगे। तो देखिए सारा मैंने मिठाई बना के तैयार कर दिया। तो चलिए उसको ना फ्राई करेंगे। तो गैस पे ना मैंने पहले से ही ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया। तो ये देखिए मैंने चेक करने के लिए थोड़ा सा इसमें आटा डाला था, तो आटा ये बबल्स आ रहे अच्छा से, तो उसका मतलब तेल गर्म है। तो ये देखिए एक एक करके ना तेल में डालेंगे इस तरीके से, ध्यान से डालना है फ्रेंड, नहीं तो गर्म तेल है ना ऊपर छिटा आ सकता है। तो जितना भी मिठाई है ना एक साथ आ जाएगा। और गैस का फ्लेम ना लो टू मीडियम रखेंगे फ्रेंड, हाई फ्लेम में बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। तेल ना अच्छा खासा मेरा गर्म हो गया है देखिए। तो अभी मैंने गैस का फ्लेम ना कुछ देर के लिए ऑफ कर दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो गया था। तो ज़्यादा गर्म तेल में क्या होता है ना क्रिस्पी नहीं बनेगा, तो इसलिए मैंने गैस का फ्लेम ना ऑफ रखा है। अभी एक मिनट तक मैंने ऑफ कर दिया था और लो फ्लेम में ही इस मिठाई को ना तलना है व फ्राई करना है। तो ये देखिए जैसे धीरे धीरे हो जाएगा ना तो ऊपर टहलने लगेगा। तो ये देखिए इसमें जो बेकिंग सोडा डाला है ना उससे ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है और धीरे धीरे ना तीन से चार मिनट बाद ना ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने लग जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स एकदम क्रिस्पी हो चुका है और कलर भी चेंज हो गया। देखिए एकदम खस्ता बन चुका है हमारा मिठाई और अच्छा से फ्राई हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे, एक प्लेट में ना ट्रांसफ़र करेंगे इस तरीका से और सारा तेल से निकाल देंगे, नहीं तो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। और उसके बाद ना चटनी को हल्का गर्म कर देंगे और ये ठंडा हो गया था इसलिए, और हल्का जैसे गर्म करने के बाद ना सारा मिठाई को इस चटनी में डाल देंगे और डाल के दो से तीन मिनट के लिए ही छोड़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा समय रख देंगे ना तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी और दो से तीन मिनट में निकाल देंगे ना ऊपर क्रिस्पी और अंदर बहुत ही
सॉफ्ट बनता है ये, जैसे गज्जा व बालूशाही ना ऐसे ही बिल्कुल वही टेस्ट आएगा फ्रेंड्स, एक बार ट्राई करिए। तो देखिए मैंने उलट पलट करके ना और ऊपर भी अच्छा से चाशनी डाल दिया और 2 से 3 मिनट के लिए मैंने छोड़ दूंगी और अच्छा से अंदर तक चाशनी चला जाएगा। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है, तो चलिए आपको ना मैं प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी मिठाई बन के रेडी हो चुका है। तो देखिए देखने में भी इतना प्यारा लग रहा है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स, और है ना बहुत ही आसान। तो ये देखिए जब आपको ना मिठाई खाने के लिए मन होगा तो इस तरीके से आप ना झटपट घर पे बना के एंजॉय कर सकते हो। तो ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है, बनाना तो बहुत ही इजी है। तो देखिए आप बनाए और कैसे लगा मेरा रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और आपको ना मैं एक चेक करके दिखाऊंगी कितना क्रिस्पी और कितना मुलायम बना है। तो एक मैंने उठाया मिठाई, तो देखिए इस तरीके से आपको ना तोड़ के दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, देखिए वाव। तो देखिए फ्रेंड्स कितना जोशीदार बना है, पर मुंह में जैसे जाएगी ना घुल जाने वाला मिठाई। तो आज के लिए टाटा फ्रेंड्स, बाय बाय, जय जगन्नाथ, टेक केयर फ्रेंड्स।